नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में। जैसे कि आप सब जानते हैं, किसी भी पायलट के लिए प्लेन की लैंडिंग या टेक ऑफ सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। कई बार परिस्थितियां इतनी कठिन होती है कि अच्छे से अच्छे पायलटों के पसीने छूट जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको दुनिया के 5 सबसे ऐसे खतरनाक एयरपोर्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट भी कई बार गलतियां कर बैठते हैं। तो हमारी सूची में सबसे पहले 5वें नंबर पे जो एयरपोर्ट आता है उसका नाम है मैकमर्डो स्टेशन। यह अंटार्कटिका की घनी बर्फीले इलाकों में स्थित है। यह स्टेशन यूनाइटेड स्टेट्स का अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन है। इस एयरपोर्ट की सबसे खास बात यह है, इसके रनवे को बर्फ की सतह को सख्त बनाकर बनाया गया है। यहाँ पूरे साल तापमान 0 से नीचे रहता है। सर्दियों में यहाँ 24 घंटे अंधेरा रहता है, जिससे यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और यही कारण है यहाँ पायलट को पहले अंधेरे में लैंड करने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ही पायलट को यहाँ प्लेन उड़ाने की अनुमति मिलती है। इसके बाद 4वें नंबर पे नारसार सुआक एयरपोर्ट आता है। यह एयरपोर्ट ग्रीनलैंड के सदर्न हिस्से में स्थित है। यहाँ प्लेन उड़ाना किसी भी पायलट के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। यहाँ अक्सर तेज हवाएं चलती रहती हैं, जिस वजह से कई बार टर्बुलेंस का अनुभव करना पड़ता है। यही नहीं, पायलट की चुनौती बढ़ाने के लिए यहाँ रनवे पर अक्सर हल्की बर्फ जमी होती है, जिस वजह से पायलट को कई बार प्लेन लैंड करने में दिक्कतें आती हैं। और वोल्केनिक रीजन होने की वजह से अक्सर हवा में राख उड़ती रहती है, जिस वजह से इंजन खराब होने का डर रहता है। इसके बाद 3रे नंबर पर कॉर्शिवल एयरपोर्ट आता है। यह एयरपोर्ट फ्रांस की एल्प्स की पहाड़ियों में स्थित है। इस एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई बहुत ही छोटी है। इसकी लंबाई सिर्फ 525 मीटर है और इसकी ढाल 18.5 डिग्री पे है, जिस वजह से यह गहरी घाटियों के बीच से टेक ऑफ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सिर्फ सर्टिफाइड पायलट्स को ही यहाँ उड़ान की अनुमति है। ढाल और छोटे रनवे के होने की वजह से पायलट को पहली बार में ही परफेक्ट टेक ऑफ और लैंडिंग करनी होती है। और खराब मौसम में एयरपोर्ट पे कोई लाइट और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ना होने के कारण यहाँ लैंडिंग करना लगभग नामुमकिन है। 2रे नंबर पर रुकला एयरपोर्ट आता है और यह नेपाल में स्थित है। यह एयरपोर्ट 9,325 फीट की ऊंचाई पे स्थित है और यह चारों तरफ से हिमालय से घिरा हुआ है। इस एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई सिर्फ 527 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है और इसमें 12 डिग्री की ढाल है, जिस वजह से सिर्फ एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इस एयरपोर्ट की सबसे डराने वाली बात यह है, अगर पायलट से जरा सी भी गलती हो जाए तो आगे 20,000 फुट की खाई है। 2003 से 2008 के बीच में यहाँ 4 क्रैश हो चुके हैं। पहले नंबर पे दुनिया के सबसे खतरनाक जिस एयरपोर्ट का नाम आता है वो है पारो एयरपोर्ट। पारो एयरपोर्ट भूटान का एकमात्र एयरपोर्ट है। यह छोटा सा एयरपोर्ट 18,000 फुट पे हिमालय की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ बहुत तेज हवाएं चलती है, जिस वजह से कई बार टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही एयरपोर्ट का रनवे आखिरी समय तक पायलट की नज़रों से नहीं दिखता है। जब आखिरी समय में प्लेन 45 डिग्री के एंगल से पहाड़ियों में उड़ता है, तब अचानक नीचे एयरपोर्ट का रनवे आता है। इसी कारण यहाँ सिर्फ दिन में प्लेन उड़ाने की इजाज़त है और सिर्फ कुछ ही लाइसेंस पायलट को यहाँ प्लेन उड़ाने की अनुमति है। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।